क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी डायबिटीज़ को जड़ से मिटाया जा सकता है, आपको डायबिटिक फ्री किया जा सकता है? आखिर ये कैसे हो सकता है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं निरोगी काया संस्थान से आचार्य संजय गोयल जी। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आचार्य जी। अगर बात डायबिटीज़ की जाए तो डायबिटीज़ मुझे लगता है कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो अगर डायबिटीज़ की चर्चा की जाए तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ आखिर है क्या और ये होती क्यों है? डायबिटीज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बीमारी है, जिसको हम लोग प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर होना कहते हैं। हमारे पाचन तंत्र में अग्नाशय होता है जो इंसुलिन नामक हार्मोन बनाता है, और इस हार्मोन का काम रक्त में शुगर के लेवल को नियंत्रण करना होता है। जब शुगर लेवल इंसुलिन नामक हार्मोन के अभाव में बढ़ जाता है तो डायबिटीज नामक खतरनाक बीमारी का जन्म होता है। इसके लक्षण क्या हैं? कैसे पहचाने व्यक्ति को कि वो डायबिटिक है या फिर उसके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हो जिसे उसे जान लेना चाहिए? इसके प्रमुख लक्षण है ज्यादा प्यास लगना, भूख का बढ़ना, थकान महसूस करना, पेशाब का बार बार आना, एकाग्रता का भंग होना, हाथों पैरों में सुन्नपन का आना, आंखों में धुंधलापन आ जाना। यदि इससे संबंधित कोई भी लक्षण आपके अंदर पाए जाते हैं तो मैं आपको यही राय देता हूं, आज ही जांच केंद्र पर जाएं और अपने ब्लड का शुगर लेवल जरूर चेक कराएं। आचार्य जी, मतलब ये है कि डायबिटीज, जिसको हम मीठी बीमारी कहते हैं, अगर हम इसको नजरअंदाज करते हैं तो इसके हमें बहुत भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, जब एक इंसान डायग्नोस कर लेता है कि उसे डायबिटीज है यानी मधुमेह है, तो उसको सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसका इलाज आयुर्वेद में संभव नहीं है। और आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति की क्या परिभाषा देता है? आयुर्वेद कहता है कि मनुष्य की तीनों प्रकृति वात, कफ और पित्त संतुलित होते हैं, वे इंसान स्वस्थ हैं। आचार्य जी, डायबा फ्री अमृत में आप ऐसी कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं जो डायबिटीज को प्रभावशाली तरीके से दूर कर सकता है? हमने डायबा फ्री अमृत में बहुत सी दुर्लभ जड़ी बूटियों का उपयोग किया है, जैसे गुरमार, बेल, त्रिवंग भसम, कटुकी, हरिद्रा, शिलाजीत, जम्बू, करेला इत्यादि, जिसके सेवन से अग्नाशय सुचारू रूप से काम करने लगता है। डायबा फ्री अमृत पैक में आपको मिलते हैं दो पैक 180-180 ग्राम के और साथ ही 30 कैप्सूल। इसके सेवन की विधि बहुत ही सरल है। सबसे पहले दो नंबर वाले पैक से 3 ग्राम यानी लगभग 1 चम्मच पाउडर को कांच के गिलास में रात को पानी में घोलकर व उसे ढककर रख दें। सुबह खाली पेट एक नंबर वाले पैक से 3 ग्राम यानी लगभग 1 चम्मच पाउडर रात को घुले हुए पानी से ही लें। दोस्तों, ध्यान रहे सुबह खाली पेट ही इसका सेवन करना है। फिर इसी तरह दोबारा सुबह ही दो नंबर पैक से 3 ग्राम यानी लगभग 1 चम्मच पाउडर को कांच के गिलास में पानी में घोलकर उसे पुनः ढककर रख दें, और शाम को भोजन करने से 1 घंटा पहले यही 3 ग्राम पाउडर दो नंबर पैक से निकालकर उसे सुबह के घुले हुए पानी से ही लें। यानी यह दवाई दिन में 2 बार बताए गए नियमों के अनुसार ही लें। और दोस्तों, डायबा फ्री अमृत के साथ में मिलने वाले 30 कैप्सूल्स को प्रति रात्रि सोने से पहले 1 कैप्सूल पानी के साथ रोजाना लें। आचार्य जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, लखनऊ से आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। धन्यवाद आचार्य जी। मुझे लगा कि शुगर है, चेकअप कराया तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई है और वेट भी बहुत लूज हो गया है। मैंने कुछ दवाइयां भी ली हैं, लेकिन अब प्रिकॉशन ज्यादा कर रहा हूं। यहां मैं एक बात विशेष तौर से आपको कहना चाहूंगा कि जितनी भी अंग्रेजी दवाइयां हैं, इन सभी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, और ये साइड इफेक्ट्स इतने खतरनाक होते हैं कि आपके किडनी, लीवर और हार्ट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। डायबा फ्री अमृत डायबिटीज का पूर्णतः आयुर्वेदिक इलाज है। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। एक बार फिर से आपसे आग्रह करते हैं कि आप स्वस्थ भारत अभियान से जुड़े डायबिटीज मुक्त समाज की रचना में सहयोग करें। नमस्कार, नमस्कार।